कोविड की न्यू वेरिएंट पूरी दुनिया में दहशत मचा रखी है और इस न्यू वेरिएंट का ओमिक्रॉन ये वायरस पहली बार साउथ अफ्रीका मिला है और तेजी से पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आ रही है। अब तक इस वायरस की एंट्री 16 देश में हो चुका है और डॉक्टर कहने के मुताबिक पिछले कोरोना डेल्टा वायरस से 7 गुना ज़्यादा खतरनाक है और ये कई गुना तेजी से फैल रहा है। दोस्त आप भूले नहीं होंगे पिछले साल कितना खतरनाक था ये डेल्टा वायरस और लाखों लोगों की जान गया था। लेकिन दोस्त ये वायरस अब तक भारत बचा हुआ था। हाल ही में एक साउथ अफ्रीकन महिला पूरी भारत में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल बात ये है दक्षिण अफ्रीका की लड़की क्रोमी एलियम सलीमा हाल ही में साउथ अफ्रीका बोत्सवाना से मध्य प्रदेश जबलपुर आया है और दोस्त हैरान की बात यह है जबलपुर से अचानक गायब हो गया और पुलिस इसको जोर शोर से तलाश कर रही है। अगर ये नहीं मिली पूरी एमपी के साथ पूरी देश में ये वायरस फैल जाने का खतरा बढ़ जाएगा। और दोस्त हमारा देश का स्वास्थ्य विभाग इस लड़की को ढूंढने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। दोस्त ये लड़की देश से गायब हो जाना कितना खतरनाक हो सकता है आप लोग को पता होगा। तो गाइस डेल्टा के बाद ये न्यू वेरिएंट वायरस क्रोविकन कितना खतरनाक हो सकता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करना। फिर मिलेंगे आपसे एक नई फैक्ट के साथ। जय हिंद।